हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मंचूरियन। अब मंचूरियन बनाना तो बहुत ही आसान है, बस मंचूरियन के बॉल्स बनाने हैं, उसको सॉस में डालना है और काम खत्म। तो इसमें सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है तो इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे रेस्टोरेंट वाले बनाते हैं ड्राई मंचूरियन। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें मंचूरियन के क्रिस्पी क्रिस्पी बॉल्स बनाने होंगे और इन चाइनीज पकौड़ों को बनाना बहुत ही आसान है। तो मैंने यहाँ पर सब्जियों में लिया है थोड़ा प्याज, थोड़ा सा हरा प्याज, गाजर और शिमला मिर्च। अब मैं पत्ता गोभी नहीं खाता तो इसलिए मैंने पत्ता गोभी नहीं लिया, लेकिन मंचूरियन में सबसे ज़्यादा पत्ता गोभी का ही इस्तेमाल होता है। पर मेरी मम्मी मुझे कहती है कि बेटा इसमें जितनी सब्जी हो उतनी डाल दे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसमें जितनी सब्जियाँ चाहें, आप बीन्स भी डाल सकते हैं, आप मटर भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे ज़रूर डालें। अब इन सब्जियों को हमें फाइनली चॉप करना है, तो मैं यहाँ पर एक चॉपर यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ रफली चॉप किया है, जैसे कि मैंने प्याज गाजर इन सबको बस ऐसे ही चॉप कर दिया है। अगर आप चॉपर नहीं यूज़ करने वाले तो आप सब कुछ बहुत फाइनली चॉप करें, लेकिन हाँ अगर चॉपर यूज़ करेंगे तो ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाती है, सब कुछ जल्दी से चॉप हो जाता है, तो उससे बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। तो इन सब सब्जियों को बस एक बाउल में ट्रांसफर करना है। मैंने यहाँ पर मंचूरियन बॉल्स में थोड़ा सा कटा हुआ अदरक लहसुन भी डाला है, और जैसे ही बाउल में ट्रांसफर करे वैसे ही डाले थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। और नमक डालने का बड़ा बढ़िया सा फायदा होता है, वो ये है कि ये सारी सब्जियाँ पानी छोड़ना शुरू कर देती है ना, एकदम मस्त। तो जैसे ही सब्जी अपने बोल में डाले वैसे ही थोड़ा सा नमक तो डाल ही दें, चाहे काली मिर्च बाद में डाल दें। अब इन सब के बाद डालना है थोड़ा सा मक्खन, मक्खन को अच्छे से मिलाना है, और इन सबको बाइंड करने के लिए मैंने डाला है थोड़ा सा मैदा और अरारोट। अब मैदे और अरारोट का कॉम्बिनेशन हमेशा 3:2 होता है, यानी अगर 3 चम्मच मैदा डालेंगे तो 2 चम्मच कॉर्नस्टार्च डालेंगे, यानी अरारोट डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर लगभग 6 टेबलस्पून मैदा लिया है तो 4 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च लिया है। इसके सारे मेजरमेंट्स तो मेरी वेबसाइट पे मैं लिख ही दूंगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे इन मंचूरियन बॉल्स को बॉल्स में बनाने के लिए मैंने अपने हाथ में लगाया थोड़ा सा तेल, ताकि हाथ थोड़े चिपचिपे ना हो, क्योंकि इतना गीला है कि बॉल्स बनने ही नहीं वाले, और अगर आप सूखे हाथ से लगाओगे तो भूल ही जाओ। तो हाथ पर लगाएं थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा अपने मंचूरियन के पकौड़ों का बैटर लें और इसको बस अपने हाथों में रोल कर दें, और बस आपकी बढ़िया सी बॉल तैयार हो जाएगी। अब मंचूरियन बनाने का सारा सीक्रेट तो मंचूरियन बॉल्स को फ्राई करने में, अगर आप सारे एक साथ डाल दोगे और हाई फ्लेम पे कर दोगे तो ये अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो मंचूरियन बॉल्स को सही से फ्राई करने का तरीका ये है कि उनको थोड़ा थोड़ा डालो कढ़ाई में, बैचेस में फ्राई करेंगे, वो भी मीडियम टू लो फ्लेम पे। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 150 डिग्रीज दिखा रहा है ये थर्मामीटर, तो कम मंचूरियन बॉल्स डाले, सारे एक साथ ना डाले, ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे वो मक्खन जो हमने डाला था ना थोड़ा सा, वो बहुत काम आएगा, वो थोड़ा बहुत अंदर से मंचूरियन बॉल्स को पफ करेगा, जिसकी वजह से उसमें थोड़ी सी हवा आ जाएगी। देखा कितनी रेस्टोरेंट की सीक्रेट कुकिंग कर रहे हैं। तो इसको फ्राई करें लगभग, इसको 80-90% पकाएं मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब आप चाहें तो इसको पूरा भी पका सकते हैं एक ही बारी में, लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या किया है कि इनको कच्चा निकाल लिया है, और कच्चा निकालने के बाद इनको ठंडा कर लिया। अब बस सब कुछ तैयार हो गया हमारा। आखिरी चीज जो आपको चाहिए ग्रेवी बनाने के लिए वो है थोड़ी सी बहुत ही फाइनली कटी हुई प्याज और हरा प्याज, और हाँ मैंने हरे प्याज का हरा पार्ट भी थोड़ा अलग काट लिया है, क्योंकि एंड में गार्निशिंग में डालूंगा ना मैं। उसके बाद आपको चाहिए थोड़ा सा कैप्सिकम कटा हुआ, और अदरक लहसुन भी एकदम फाइनली कटा हुआ चाहिए बस। और बस इसको सॉस में डालना है। अच्छा, सॉस बनाने के लिए भी आपको ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। सॉस बनाने के लिए भी आपको चाहिए थोड़ा सा सोया सॉस, डार्क ले ले थोड़ा सा तो अच्छा कलर आएगा, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल ही डाल दें, थोड़ा सा विनेगर डालें, ग्रीन चिली सॉस डालें, और थोड़ी सी टमाटो केचप भी डाल दें, उससे कलर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। इसमें मैंने हल्की सी कोटिंग करने के लिए थोड़ा सा पानी डाला है, जैसे कि सिर्फ 1/4 कप, और ताकि ये सॉस अच्छे से मंचूरियन बॉल्स पर चिपक जाए इसमें डाला है थोड़ा सा अरारोट लगभग आधा चम्मच, और उसको अच्छे से मिलाना है बस। तो ये हमारा सॉस मिक्स भी एकदम तैयार हो गया। तो सब कुछ हमने काट लिया है, मंचूरियन बॉल्स भी तैयार हैं। तो बस अब मान लो कि अब रेस्टोरेंट के किचन में खड़े हैं, तो एक और एकदम से ऑर्डर आ गया। तो अब एक बार सोच के देखते हैं कि रेस्टोरेंट में क्या होता होगा, एकदम से ऑर्डर आता है एक ड्राई मंचूरियन बनाना है भरत के लिए। तो बस सीधा एकदम हाई फ्लेम पे लगभग 200 डिग्री पे मंचूरियन बॉल्स को फ्राई किया जाता है, ताकि एकदम क्रिस्पी इफेक्ट आए।
कि जैसे ही वो एकदम गोल्डन ब्राउन एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं उसको कढ़ाई से निकाल देते हैं। ये देखिए आप सुन के भी देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी है। और अंदर से भी कितना बढ़िया पका हुआ है। और उसी टाइम पे फ्राई करते ही दूसरी फ्रेम को रखा जाता है एकदम हाई फ्लेम पे। और मैं यहाँ पर एक वॉक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप घर पे कढ़ाई भी यूज कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस ये याद रखना है कि इसको एकदम हाई फ्लेम पे रखना है। तो वापस रेसिपी पे आते हैं। तो वॉक को रखे सुपर हाई फ्लेम पे, उसमें डाले थोड़ा सा तेल और अपना कटा हुआ प्याज और अदरक लहसुन भी। इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाना है, वो भी एकदम हाई फ्लेम पे। थोड़ा बहुत हिलाते रहे ताकि नीचे से चिपके ना और जले ना, सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाना है। और जल्दी से ही अपना कटा हुआ कैप्सिकम भी डाल देंगे, उसको भी लगभग 1 से 2 मिनट तक हिलाते रहें। और जब ये दोनों प्याज और शिमला मिर्च थोड़े सॉफ्ट होने शुरू हो जाए और अदरक लहसुन बढ़िया तरीके से पक जाए, डाल दे जो हमने सॉस मिक्स बनाई थी वही डाल दें। हाई फ्लेम पे ही रखें, अभी फ्लेम स्लो बिल्कुल नहीं करनी। सॉस एकदम से उबलने लगेगी तो फिर उसमें डालें थोड़ा सा नमक। रेस्टोरेंट में अजीनोमोटो डालते हैं, अगर आप चाहें तो आप डालें, अगर आपके घर में कोई मंत्री आ रहा है तो बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो आपके मंचूरियन भी बैन हो जाएंगे। खैर उसके बाद डालें थोड़ी सी काली मिर्च और बस इसको अच्छे से मिलाएं। गैस को करें बंद ताकि स्टीम सारी निकल जाए और अपने मंचूरियन बॉल्स डालें। इसको अच्छे से हिलाते रहें, इसमें कढ़ाई को अच्छे से हिलाकर अच्छे से सॉस के साथ मिलाएं। आखिरी चीज जो मैंने इसमें गार्निशिंग करने के लिए डाली है वो है स्प्रिंग अनियन के ग्रीन पार्ट्स। आप यहाँ पे धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और बस सर्व कर दें। तो है ना बहुत ही आसान रेसिपी, एकदम बढ़िया मंचूरियन तैयार है। तो दोस्तों ये है मेरी रेसिपी वेज मंचूरियन बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए। थोड़ी रेसिपी ड्राई है, अगर आपको ग्रेवी की रेसिपी जाननी है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये रही दो और वीडियो जो शायद आपको पसंद आए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।